नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस देता हूं और सारी जानकारी डायरेक्टली रेफरेंस होती है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। सो आप हर एक बात पे भरोसा कर सकते हैं, एवरीथिंग इज वेरीफाइड एंड सिंप्लीफाइड। सो हमने बात करी थी पिछली बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, तो बहुत सारे सवाल आने लगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं वीडियो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये दोनों अलग प्रॉब्लम है, कई बार साथ में होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, बट दोनों अलग हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, क्यों होता है, कैसे ठीक होता है और कितना कॉमन है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम अभी हो सकता है ये प्रॉब्लम फ्यूचर में हो, और ये बात याद रखिए, ये बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। जब वेरी कॉमन बोला जाता है तो हर दूसरे तीसरे इंसान को ये होती है। सो आइए बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन के बारे में। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Premature ejaculation ka matlab ki aap jaldi ejaculate kar rahe hain sexual intercourse ke dauran ya even usse pehle. Ji haan. इवन पेनिट्रेशन से पहले कई लोग इजैकुलेट कर जाते हैं, उसे भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कई लोग अपने पार्टनर से पहले इजैकुलेट कर जाते हैं, ऑर्गेज्म उनको हो जाता है उनके पार्टनर के ऑर्गेज्म से पहले, उसको भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कई लोग इवन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स बहुत ही जल्द कुछ सेकेंड्स में कुछ मिनट्स में इजैकुलेट कर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। Ultimately, you or your partner, your couple, the couple, वो couple जो है unsatisfied रह जाता है at the end of the day. तो unsatisfied couple, feeling of unsatisfied, early ejaculation, ये सब उसके signs हैं ejaculate हो जाना। इसी वजह से कई लोगों को pregnancy achieve करने में भी दिक्कत होती है, कई लोग इसमें pregnant भी नहीं हो पाते। So pregnant नहीं हो पाने का एक reason ये भी है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के और ये बहुत कॉमन है। अल्टीमेटली इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, साइकोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो ज्यादातर लोगों में होता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और भी कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और दूसरा फिजिकल रीजन, एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी बात यह है जो जानना आपके लिए जरूरी है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किसी भी कारण से हो, समय के साथ अपने आप ठीक होते जाता है, इंप्रूवमेंट दिखाता है बिना इलाज के भी, बिना इलाज के भी। जी हां, लेकिन कई लोगों में यह पहले बिना इलाज के बगैर आगे बढ़ता जाता है। उस केस में जब यह बढ़ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, उस केस में एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है उस इंसान पे, उस कपल पे, और सोशल प्रेशर भी पड़ता है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, स्ट्रेस में रहते हैं तब। सो ये हुई बात। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, सबसे जरूरी है जनरल हेल्थ चेकअप। जनरल हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है क्योंकि वीकनेस भी एक कारण हो सकती है। हो सकता है आप थक जाते, आप नहीं एक्चुअल कर पाते। सो वीकनेस, क्रोनिक इलनेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता करना जरूरी है। ऑल्दो ये उनमें से कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज्यादातर नहीं होता, ज्यादातर कारण साइकोलॉजिकल या फिजिकल है, लेकिन जनरल हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है ताकि आपको और कोई बीमारी हो तो पता चले और उसका इसके साथ जो इफेक्ट आएगा वीकनेस पे, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, वो ठीक हो। नींद बहुत जरूरी है। So, नींद का असेसमेंट, आपके सेक्सुअल लाइफ का असेसमेंट, डॉक्टर आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। बेस्ट डॉक्टर इसके लिए होते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकैट्रिस्ट। जी हाँ, ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकैट्रिस्ट देखते हैं। और इसमें कुछ चीजें आप कर सकते हैं जो कि एक्चुअली काम करती है ट्रीटमेंट में, जिसे कहते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिलैक्सेशन की, उतना बेहतर होता है।
उसके कुछ मेथड्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। दो मेथड मैं आपको यहां बताऊंगा। नंबर एक जिसे कहते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड में आप मेल जो बॉय है मेल है वो बेसिकली अपने पेनिस को अपने वो या दूसरा पार्टनर स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और थोड़े देर स्टिमुलेट करके जब उन्हें लगता है कि वो इजैकुलेट करने वाले हैं तब रुक जाते हैं, तब स्टॉप कर देते हैं। उस रुक जाने को बेसिक मूवमेंट को हम स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट मेथड कहते हैं। आप 30 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, सो आप फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर 30-30 सेकेंड के लिए फिर रुक जाते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर 30 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और अल्टीमेटली जब तक ऑर्गेजम नहीं हो जाता, एक्चुअली इजैकुलेट नहीं होता, आखिरी टाइम पर आप फिर फुल स्टिमुलेट करते हैं। ये हुआ स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। इसको प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे कंट्रोल आता है। दूसरा मेथड है स्क्वीज मेथड। उसमें यही स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड में आपको स्टिमुलेट करना है और 30 सेकेंड के लिए रुकते समय आपको पेनिस को उसके हेड और शाफ्ट, जो पेनिस का हेड और शाफ्ट मिलते हैं उस जगह पे स्क्वीज करना है। शाफ्ट और हेड जहां मिलते हैं उस जगह पे स्क्वीज करके रखना है कुछ सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के लिए स्क्वीज नहीं करना है, कुछ सेकेंड, 2-4-6-8 सेकेंड के लिए स्क्वीज करके रखना और 30 सेकेंड के लिए स्टिमुलेट नहीं करना। 30 सेकेंड के लिए फिर स्टिमुलेट करें, फिर रुकें और फिर उसे स्क्वीज करें। इसे कहते हैं स्क्वीज मेथड। इसे रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, जब तक के मेल जो है वो इजैकुलेट करने के लिए बहुत इच्छुक हो जाए, तब फिर इजैकुलेट हो जाएगा, तब फिर लास्ट टाइम आप एंड तक स्टिमुलेट करेंगे। तो ये दो मेथड है, स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड एंड स्क्वीज मेथड। इसे बार बार प्रैक्टिस करने से कंट्रोल बेटर हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस। क्या कोई दवाएं आती हैं, कोई और तरीका है? जी हां है, दवा है बट वो एंटी डिप्रेसेंट है। जी हां, एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि SSRI, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, राइट। ये जो दवाएं हैं जैसे एसिटालोप्राम, एल्प्राजोलाम, अलग अलग बहुत सारी दवाएं हैं, राइट, ये क्या करती हैं, कई इंस्टेंसेस में रिसर्च में भी आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन कम करती हैं और साइकोलॉजिकली जो आपके ऊपर प्रेशर है वो कम करती हैं। तो देखा गया है कि आपका परफॉर्मेंस टाइम बढ़ जाता है। तो SSRI काम करती हैं, कई बार नहीं करती क्योंकि आपने बाकी मेथड्स, एंजाइटी डिप्रेशन को सिर्फ ये चीज ठीक नहीं करेगी, लाइफस्टाइल ठीक करेगी, एक्सरसाइज ठीक करेगी। एंजाइटी पे हमारा टोटली डिफरेंट वीडियो है, आप जाके एंजाइटी का वीडियो भी देखिए, एंजाइटी बाय डॉक्टर एजुकेशन। सो अगर एंजाइटी डिप्रेशन कारण है तो एंजाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होना जरूरी है, लेकिन इसको साथ में चला सकते हैं हेल्प के साथ, राइट। और साथ में दो और चीजें हैं जो काम करती हैं, एक है लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स या स्प्रेस। ये क्या करते हैं, आप इसे पेनिस के ऊपर लगाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, सो आपके सेंसेशंस को कम कर देती है, स्टिमुलेशन कम कर देती है। तो आपको स्टिमुलेशन ही कम होता है तो आपका टाइम बढ़ जाता है, सो दैट आप दोनों सही तरीके से प्रॉपरली उस ऑर्गेजम को अचीव कर सको साथ में। लेकिन इसके साथ एक और मेथड है, कॉन्डम मेथड। अगर आप कॉन्डम यूज करते हैं तो कॉन्डम भी एक तरीके से आपके सेंसेशन कम करता है, सो कॉन्डम से भी टाइम बढ़ जाता है, स्टिमुलेशन कम हो जाता है। तो यूजिंग अ कॉन्डम इज इंपॉर्टेंट। और लोकल एनेस्थेटिक क्रीम वाले कॉन्डम भी आते हैं, जैसे इसमें लिखा होता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो कॉन्डम्स होते हैं वो यूज करेंगे तो आपका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। साथ में स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्क्वीज मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट लेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अपनी एक हेल्थ चेकअप कराएंगे, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है उसको पूरा करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक से नींद लेंगे, स्ट्रेस रिलीज करेंगे, बस इतना करते रहेंगे आप इस चीज से जल्दी निकल जाओगे, ठीक हो जाओगे। बस इतना ही है, इससे ज्यादा इस चीज के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आई होप आपको मदद मिली है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, और यह है मेरा चैनल। इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो चैनल चेकआउट करना मत भूलिएगा। और मुझे कंसल्ट या कॉन्टैक्ट करने के लिए डॉक वाइज एप्लीकेशन, प्रैक्टो या लाइब्रेट, इन तीन साइट्स पे आप आ सकते हैं। तीनों के लिंक और कैसे करना है वो सब आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। सो टेक केयर गाइज, ऑल यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी इज स्टे कनेक्टेड।